2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। युद्ध स्तर पर राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हैं। जहां एनडीए ने 400 पार का नारा देकर मोदी की गारंटी पर फोकस किया है, तो वही कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए के रथ को रोकने की चुनौती है। कांग्रेस ने मोदी गारंटी के खिलाफ न्याय पर फोकस किया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसान, रोजगार, महिला हिस्सेदारी और युवा न्याय के इर्द गिर्द है। हालांकि अभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन तैयारी जोरों पर है। इसे को लेकर 19 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी गारंटी पर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने मंगलवार को कहा, देश बदलाव चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गारंटी का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग नारे का हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए कांग्रेस का घोषणा पत्र 1926 से देश के राजनीतिक इतिहास में भरोसे का दस्तावेज बना हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। खड़गे के मुताबिक समिति ने प्रयास किया कि हमारा घोषणा पत्र सिर्फ अकेडमिक कवायद ना रहे बल्कि उसमें व्यापक जन भागीदारी हो। इसके लिए संपर्क और संवाद भी किया गया। वेबसाइट आवाज भारत की के जरिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक ले जाना होगा। खड़गे ने कांग्रेस की 5 गारंटी का उल्लेख करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आह्वान किया, आप सभी वरिष्ठ नेताओं की बहुत अहम भूमिका होगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इसके सभी प्रमुख मुद्दों को पूरे देश में गांव मोहल्ला और घर घर तक पहुंचाने में प्रेरक की भूमिका निभाएं। बता दें, कार्य समिति की बैठक घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि उनकी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जो वादे करने जा रही है उन्हें वो पूरा करेगी। खड़गे ने साफ कहा, हम वादे करने के पहले गहराई से ये पड़ताल कर लेते हैं कि उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी उल्लेख किया और कहा, मुंबई हमारे लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी पार्टी की स्थापना मुंबई में ही हुई थी। हमारे स्वाधीनता आंदोलन को ताकत भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई से ही मिली थी। बड़ी खुशी की बात है कि भारत जोड़ो नई यात्रा का समापन भी मुंबई में ही हुआ। खड़गे ने कहा कि इस यात्रा से जुड़े मुद्दों की देश विदेश में बहुत चर्चा हुई है, इससे हम देश का ध्यान जनता के असली मुद्दों पर खींच पाए। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो नई यात्रा का समापन 16 मार्च को मुंबई में हुआ और अब जल्द ही कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।